गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गिरजा सिंह है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टडी के साथ पार्ट टाइम में वेस्टीज कर रही हूँ। मैं आज आपके सामने आज की सेलिब्रेशन के बारे में कुछ लेकर के आई हूँ। आज हमारा अचीवर्स सेलिब्रेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जो कि जबरदस्त गया है। आज अमेजिंग था आज का प्रोग्राम। मैं उसके बारे में थोड़ा शेयर करूंगी। जिसे आज ट्रेनिंग के लिए शिवम सर आए थे, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में मैं थोड़ा सी बात करूंगी। वो एक लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से। वो गांव, उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां पे वो बचपन में मतलब खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे। फिर बाद में जब वो दिल्ली आए तो वो अपने पापा के साथ रहने लग गए। तो उनके फादर कबाड़ी का काम करते थे, तो जो उन्हें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, लेकिन फिर भी कैसे भी करके उन्होंने अपनी स्टडी यहाँ पे पूरी की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन जब वो जॉब के लिए बाहर गए तो उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे स्टडी में। लेकिन उसी वक्त उन्हें ये वेस्टीज का प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने इस वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे इतनी मेहनत की कि आज डायमंड डायरेक्टर है। और उन्होंने यहाँ से दो बाइक ले रखी है, कम से कम वो लैक के अबव की बाइक है दो, जो एक अपने ब्रदर को गिफ्ट किया है और एक खुद के लिए ली है। उनका टारगेट है कि आने वाले अगले कुछ दिनों के बाद वो अपने घर मम्मी को गिफ्ट करेंगे एंड देन एक कार अपने पापा को गिफ्ट करेंगे। स्टार्टिंग में उनके साथ भी प्रॉब्लम आई कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो करते गए। वैसे ही हमें भी हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते रहना है। उन्होंने आज एक बात कही एक बार और, जब भी वो डिमोलाइज हो जाते थे तो वो ये सोच करके आगे बढ़ते थे कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो आगे फिर एक बार और। तो हमें भी टारगेट लेना है कि एक बार और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे चैलेंजेस मान करके उसका सामना करिए। अगर आप अभी उस प्रॉब्लम से पीछे हट जाएंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है आपकी सक्सेस वहीं रुक जाएगी। लेकिन आप उस प्रॉब्लम को अपनी चैलेंजेस समझ के, आप जैसे सोचें कि रास्ते में कितनी सारी रुकावटें आती है, लेकिन उस रुकावटों को हम पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही वेस्टीज में जब हम ज्वाइन होते हैं तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट है। आपको 3 साल अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा और अपने दिल से करना पड़ेगा। जब तक आप दिल से नहीं लगेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। आज उन्होंने यही बताया है कि हमें इन्वेस्टमेंट, यहाँ भले 0 इन्वेस्टमेंट है लेकिन 3 चीज की इन्वेस्टमेंट है, हार्ड वर्किंग, टाइम एंड देन हार्ड, अपने दिल से करना है इसको। क्योंकि जब तक आप इसे दिल से नहीं करेंगे तब तक वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते। और उन्होंने एक बात और बताई कि आप अपने छोटे छोटे सपने लिखिए पहले, जितने भी आपके सपने हैं बचपन से देखे हैं, पहले उनको कॉपी में एक एक करके लिखिए और जैसे जैसे पूरा होता रहता है उसको टिक करिए। हम क्या करते हैं कि एक बार ही बहुत बड़ा सपना देखते हैं और जो छोटे वह उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो वो जो हमारे छोटे छोटे सपने होते हैं उसको हम बोलते हैं ये तो छोटी चीज थी, ये तो छोटी चीज थी, क्या फर्क फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, आपको पहले छोटे छोटे सपनों से आगे तक बढ़ना है, तभी आपका वो बड़ा सपना पूरा होगा। और चैलेंजेस को फेस करना है, इससे घबरा के पीछे नहीं हटना है। और एक बात और, आज का जो सेलिब्रेशन था बहुत ही अमेजिंग था। मैंने भी आज अपना 14% का मेडल ले लिया है। नेक्स्ट डायरेक्टर की तैयारी है और बहुत जल्द डायरेक्टर का भी यहाँ पे मेडल लूंगी। और आज की ट्रेनिंग सुपर्ब रही है, तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने अपलाइन को कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम सेलिब्रेशन
प्रोग्राम अरेंज करवाते हैं, तो थैंक यू मेरे सारे अपलाइन को, और थैंक यू मेरे डाउनलाइन को जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंकफुल मैं अपने पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और थैंक यू शिवम सर कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए, हमें ट्रेनिंग दिया। और थैंक यू सो मच मेरी पूरी टीम को, सबसे बड़ा थैंक यू वेस्टीज को, अगर वेस्टीज अभी नहीं होता तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो वेस्टीज नहीं होता, तो सबसे बड़ा थैंक्स वेस्टीज मैनेजमेंट को मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।